मिलेगा। हाँ चलो चलो पूरे लेना होगा। लो ना एगो मुखड़ा अंतरा तो जरूरी है ना। चलो रावरेमन के आलोक राज बटले झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। और एखन रावरेमन बहुत ही सुंदर ठेठ नागपुरी गीत कर ट्रैक सुनत रही। आ जानीला और बात करीला जे ट्रैक करे लायक हैं दीदी, वो कहाँ से आए हैं और उनकर नाम का है के, और रावरेमन का डिमांड भी रहेला कि ठेठ नागपुरी गीत होवे चाहिए। और बहुत वेट भी करीला, इंतजार भी करीला रावरेमन, बहुत पसंद भी करीला और काफ़ी दुलार प्यार भी देवेला। और हमारे कर स्टूडियो में जे बहुत ही सुंदर ठेठ गीत गाए वाला जे दीदी आ हैं, जेकर गीत कर एखन ट्रैक होत रहे, उनकर साउर और उनके बात करेला और पूछीला और जानीला वो दीदी कर घर कहाँ से हैं और है उसमें साउंड। हाँ दीदी बताइए, अपना नाम गांव बता दीजिए। हम सब से जोहार करत ही, हमर गांव खरता हके, हमर नाम है पूजा देवी और आ ही आया और आज नया शुरुआत में। अच्छा पहले भी गाय रही? रिकॉर्डिंग करत ही। अच्छा अच्छा शुरुआत शुरुआत पहली बार नहीं, तो चलो काफी अच्छा है। और एखन जे दीदी से रोरेमन सुन ली, इनकर घर खरता है नी? खरता है। और कैसे आली आरएसबी तक, कैसे पहुंच ले उकरे बारे में बताओ, केकर माध्यम से आली उनकर बारे में भी बताओ। कैसे पहुंच ली यहाँ कराता पता के मदद कर लें, के सहयोग कर लें आरएसबी तक आवे ले, स्टेडियो तक आवे ले, जिन कहा थी है नामे भुला जाए ला। ओ फिर दोस्त हम तो यहाँ नहीं आ रही है, पहली बार आ ली। फिर दोस्त खान संगे लेते आला है साथ पे। तो जैसा कि दीदी बतालें जे एखन रोरेमन ठेठ नागपुरी गीत देखली और सुनली और आज उनके ले करके एक हमरे कर बीच में बहुत ही अच्छा कलाकार, पुराना कलाकार है, इनकर गीत मन भी रोरेमन देख हो सुन हो, स्टेज प्रोग्राम मन में भी काफ़ी जगह रोरेमन के देखे व सुनल मिल हुई, यानी कि फिरदौस खान भाई जी जे हैं, जे हमरे कर मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं और काफ़ी पहले से हमरे कर लगाव है। और इनकर गाना में खुद तो हम के काम कर कर सौभाग्य हुई है। और आज इनकर माध्यम से बिमला देवी नाम है नहीं, पूजा देवी, वो पूजा देवी जे दीदी आ हैं से आलें, तो आओ फिर दोस्त भाई से भी दो लाइन बात करी था। सबके देखे वाला सब हमारे भाई बहन मन के सबके हमारे बदले जमे जमे झारखंडी जोहार है। और ज़्यादा बात का कहूँ, आज ये पूजा देवी जे हैं गायकी पूजा देवी, कहें कि आर एस बी जाए के स्टूडियो जाए के वहाँ बहुत नाम सुनी, बहुत चर्चा है, से हमके भी जाए के शौक है आर एस बी देख कभी गाना गाओ, तो उकरे वजह से आज हम उनके लेके आली आर एस बी मल्टी मीडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये आलोक भाई कर हैं, इनकर माज इनका ट्रैक हुआ रहे तो राहुल उनको देखो और इनका इंजॉय करो और लाइक सब्सक्राइब करो, पसंद आवे तो ये गाना बहुत जल्द और के बीच में फुल वीडियो के साथ भी मिली। एक ज़्यादा क्या कहूँ, फिर से एक बार झारखंडी जोहार। तो इन्हें बात करे लगे आर एस बी के रिकॉर्डिस्ट हैं दीपक उरांव जी से, गीत के एखन तो जत्रा और कर्मा कर लगातार गीत होत रहे, आज ठेठ नागपुरी गीत करके कैसे लगत है? आप सभी को जोहार। अभी जो देखें ये नया ठेठ का ट्रैक हुआ और बहुत ही अच्छा गाए,
जिनका नाम है पूजा देवी, जो कि खरता का रहने वाले हैं और पहली बार आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा गाएं और सुने भी होंगे इनका गाना, काफ़ी अच्छा गाते भी हैं। आप लोगों को इनका गाना को सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने या सुनने के लिए मिलेगा। और डेली ही डेली आप लोग देख ही रहे थे कि कर्मा और जत्रा ये सब लगातार आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा था। तो आज ठेठ का काम करने के लिए काफ़ी दिन के बाद हमको मौका मिला। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मेरे वाणी बंद करते हैं, धन्यवाद। तो अभी आप लोगों को मिला है पूजा देवी जी, जो कि खरता साई हुए हैं और काफ़ी सुंदर इनका सॉन्ग आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए। तो दोस्तों, इनका भी सॉन्ग को आप लोग सुने व देखें और अगर अच्छा लगे आपको तो शेयर करें, इन्हें भी बढ़ाएं आगे, यही कहेंगे। और जैसा कि इनको सपोर्ट करने के लिए फिरदौस भाई लेकर के आए थे, इनसे भी मिलाए, ये भी काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। इनका भी राग रागनी में तरह तरह का सॉन्ग गाते हैं और लिखते भी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना व देखा व मेरे बातों को सुना, इसके लिए तहे दिल से आप सभी दर्शक बंधु को फिर से जमे जमा झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, धन्यवाद है।